बेबी पास्ता पसंद करती है। बेबी अब खाने का वक्त है। माँ पास्ता हाथ में लेकर बोली, बेबी यहाँ आओ और बैठो, अभी पास्ता खाना है। माँ बोली, अभी आ करो। माँ ने पास्ता का चम्मच हाथ में लेकर कहा। बेबी हंसा और म्याऊ म्याऊ कहने लगा और पास्ता खाने के लिए मुंह खोला। ओहो, बिल्ली बिल्ली को मछली पसंद है और बेबी को पास्ता। माँ ने कहा, बेबी ने पास्ता खा लिया। मुंह खोलो बेबी। बेबी ने मुंह खोला और बोला, क्वैक 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 क्वैक। आहा, बतख बतख को ब्रेड पसंद है और बेबी को पास्ता। माँ ने ऐसे ही बोला और बेबी ने पास्ता खा लिया। मुंह खोलो बेबी। माँ ने कहा, बेबी ने मुंह खोला और बोला, मुंह। ओ, गाय गाय को घास पसंद है और बेबी को पास्ता पसंद है। खा लो बेबी, माँ ने कहा। मुंह खोलो बेबी। माँ ने कहा, बेबी ने मुंह खोला और बोला, बू बू। अरे ये भू भू तो कुत्ता करता है। कुत्ते को भी पास्ता बहुत पसंद है। क्या मैं कुत्ते को ये पास्ता दे दूं? ओके, अभी ये एक चम्मच बेबी खाएगा। बेबी पूरा पास्ता खा गया। माँ ने उसके लिए ताली बजाई और बेबी खुश हो गया। भिखारी और कंजूस की अनोखी कहानी। बहुत समय पहले की बात है, एक थका हारा भिखारी चलते चलते एक बहुत धनी गांव में आ पहुंचा। वहां जगह जगह पर गाय भेड़ों के झुंड थे और अनाज के खेत थे। वहां शानदार घर और अच्छे कपड़े पहने धनवान लोग भी थे। भिखारी ने सोचा, ये गांव भीख मांगने के लिए अच्छा रहेगा। और ये सोचकर वो सबसे शानदार दिखने वाले घर के दरवाजे पर पहुंचा, जिसकी दीवारें सोने की थी और छत रूबी पत्थर की बनी थी। वहां चांदी की बनी मूर्तियां और 12 सफेद घोड़ों की पत्थर गाड़ी भी थी। उसने दरवाजा खटखटाया और इंतजार करने लगा। एक बुजुर्ग आदमी जिसने बहुत कीमती कपड़े पहने थे, उसने दरवाजा खोला और भिखारी को देखकर पूछा, क्या चाहिए तुमको? भिखारी ने बड़ी सरलता से कहा, आप बहुत अमीर हैं और मैं गरीब, क्या आप मुझे खाना और दूध दे सकते हैं? बुजुर्ग अमीर आदमी ने भिखारी को सर से पांव तक देखा और बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं, और दरवाजा भिखारी के चेहरे पर बंद कर दिया। भिखारी ने एक बार फिर दरवाजा खटखटाया और इंतजार करने लगा। बुजुर्ग अमीर आदमी ने दरवाजा खोला और बोला, तुम फिर से? भिखारी ने बड़ी सरलता से एक बार फिर कहा, आप बहुत अमीर हैं और मैं गरीब, क्या आप मुझे गेहूं या बीन्स देकर सहायता कर सकते हैं? बुजुर्ग अमीर आदमी ये सब सुनकर हंसने लगा और जोर से बोला, मेरे पास गेहूं या बीन्स नहीं है, जाओ यहाँ से। भिखारी ने फिर दरवाजा खटखटाया और बोला, मैं बहुत भूखा हूँ श्रीमान,
क्या आप मेरी सहायता एक रोटी का टुकड़ा देकर कर सकते हैं? बुजुर्ग अमीर दरवाजा बिना खोले अंदर से बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, कहा ना जाओ यहाँ से। लेकिन भिखारी ने दरवाजा खटखटाना जारी रखा। बुजुर्ग अमीर आदमी ने एक बार फिर दरवाजा खोला। भिखारी ने थोड़ा झुक कर कहा, कृपया थोड़ा पानी दे दे, बहुत प्यास लगी है। लेकिन अमीर आदमी ने उसे वो भी नहीं दिया और गुस्से से कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पानी भी नहीं है। अब भिखारी उठा और हंसने लगा। उसने अमीर आदमी के गले में हाथ डाला और बोला, ओहो, मुझे नहीं पता था कि तुम भी इतने गरीब हो, यहाँ क्यों बैठे हो? आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें खाना मांगने में मदद करूँगा, क्योंकि तुम तो मुझसे भी गरीब हो। कछुआ और खरगोश। ट्रुडी नाम का कछुआ धीमी गति और नियमित था। वह जहाँ भी जाता कदम में कदम मिलाते धीरे चलता था। हैरी नाम का खरगोश तेज और चालाक था, एक ओर से दूसरी ओर तेज रफ्तार से दौड़ता था। एक दिन ट्रुडी अपने रास्ते चलते जा रहा था, कदम में कदम डालते हुए। हैरी देख रहा था कि ट्रुडी कितने धीमी गति से चल रहा है। हैरी ट्रुडी पर हंस पड़ा और कहा, दुनिया में इतनी धीमी गति से चलने वाले को कभी नहीं देखा, मैं नींद में भी तुमसे तेज दौड़ता हूँ। ट्रुडी से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने कहा, तुम कहते हो कि मैं धीरे चलता हूँ, तो चलो दोनों में प्रतियोगिता हो जाए। हैरी जोर से हंसने लगा। उसे हिचकी लगी ट्रुडी को सुनकर। उसने कहा, मैं तुम्हें यूं हरा सकता हूँ, एक पैर पीछे बांध कर भी तुम्हें हरा सकता हूँ। ट्रुडी ने सर हिलाया और बोला, पर क्या तुम मुझे प्रतियोगिता में हरा सकते हो? हैरी ने ट्रुडी को गुस्से से देखा और बोला, कहीं भी कभी भी। प्रतियोगिता की तैयारी हुई। कछुआ ट्रुडी और खरगोश हैरी एक बड़े पेड़ से दौड़ की शुरुआत करेंगे। वहां से जंगल, जंगल से नदी, नदी से तालाब पार कर अंतिम पड़ाव पहाड़ के चोटी पर पहुंचना होगा। सब जानवर प्रतियोगिता देखने इकट्ठा हुए। ट्रुडी और हैरी तैयार थे। एल्विन नाम के उल्लू ने दौड़ो करके चिल्लाकर दौड़ की शुरुआत की। हैरी पलक झपकते ही दूर निकल गया तेज रफ्तार के साथ, और ट्रुडी कदम में कदम डालता हुआ चल रहा था। हैरी ने जंगल पार किया और नदी भी पार कर लिया था। जब तालाब तक पहुंच गया, बहुत आगे निकल गया था। उसने थोड़ी देर के लिए एक झपकी लेने की सोची। कुछ घंटों बाद अचानक हैरी की आंख खुली। जय जयकार सुनकर उसका ख्वाब टूटा। जब हैरी सो रहा था, कदम में कदम डालता हुआ ट्रुडी धीरे धीरे दौड़ के आखिरी पड़ाव पहाड़ के चोटी पर पहुंच गया और जीत गया। चालाक की हार और समझदार की जीत। पिराचियों का साहस। बहुत पहले एक खिलौने बनाने वाला गेपिटो नाम का एक आदमी था। उसका ना ही कोई परिवार था, ना बीवी ना बच्चे, वो अकेला था। एक दिन गेपिटो को बोलने वाला लकड़ी का टुकड़ा मिला था। उसको बेटे की इतनी चाहत थी कि उसने उस टुकड़े से एक लड़के को तराशा। उसने उस लड़के का नाम पिनाचियो रखा। पिनाचियो बोलता रहा और बोलता ही रहा। उसे बोलना बहुत पसंद था। जब कठपुतली बोलने के लिए बाहर आते थे, तब वो उन्हें बताता था। वो झूठ भी बोलता था।
वो झूठ बोलकर क्रिकेट देखने जाता था और गेपिटो के पैसे चुराकर कुछ शो भी देखने जाता था। वो स्कूल नहीं जाता था और झूठ बोलता था। जैसे पुलिस ने उसे पकड़ा ऐसे झूठ भी बोलता था। जब भी वो झूठ बोलता था उसकी नाक हर एक झूठ के साथ लंबी होती जा रही थी। गेपिटो ने उसे बहुत बार समझाया कि वो झूठ ना बोले, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, पर उसने सुना नहीं और वो तो झूठ बोलता ही रहा। एक दिन पिनाचियो किसी को बिना बोले दुनिया देखने के लिए भाग गया। पर दुनिया बहुत खतरनाक है। पिनाचियो एक लोमड़ी और बिल्ली को मिला और उन दोनों ने खिलौने का खाना चुरा लिया। लोमड़ी और बिल्ली ने पिनाचियो को एक पेड़ से बांध दिया। तब चार खरगोश आए और उस खिलौने को यानी पिनाचियो को जमीन में गाड़ने लगे। उतने में ही एक सफेद काला पंछी वहां पर आया और उसने उसकी जान बचाई। उसको कहा कि गेपिटो मुसीबत में है। बेचारा गेपिटो पिनाचियो को ढूंढता रहा। जब गेपिटो सब जगह पर खिलौने को ढूंढा और वो नहीं मिला, तब वो नाव लेकर समुन्द्र में चल पड़ा और वह भयानक मछली द्वारा निगल लिया गया। एक बड़ा सा शार्क जो एक महाद्वीप के जैसा दिख रहा था। पिनाचियो एक डॉल्फिन की मदद से गेपिटो को ढूंढने निकला। वह भयानक मछली द्वारा निगल लिया गया था। पिनाचियो ने देखा कि अंदर गेपिटो एक नाव में बैठा हुआ था। वो सोचने लगा कि तुम बाहर कैसे निकले। पिनाचियो तो झूठ बोलता था। वो झूठ बोलता गया। उसने इतना झूठ बोला कि उसकी नाक 50 फीट लंबी हो गई और बढ़ती गई और इस तरह बढ़ी कि बड़ी मछली के पेट से छेद कर बाहर आई। इस तरह दोनों बाहर आ गए। दोनों घर वापिस आ गए। अब पिनाचियो ने गेपिटो को वचन दिया कि वे कभी झूठ नहीं बोलेगा। उस रात में एक परी आई और उसने पिनाचियो को सचमुच का लड़का बना दिया और तब से पिनाचियो और गेपिटो एक साथ खुश रहने लगे। पर अब भी पिनाचियो को स्कूल जाना पसंद नहीं था। तीन छोटे सुअर ऑल्फ्रेड, बॉबी और क्रिस्टोफर नाम के तीन छोटे सुअर थे। ऑल्फ्रेड बहुत आलसी था। उसने घास से एक सीधा साधा घर बनाया। बॉबी ऑल्फ्रेड के जितना आलसी नहीं था। उसने लकड़ी के साथ घर बनाया। लेकिन क्रिस्टोफर बिल्कुल आलसी नहीं था। उसने ईंट से घर बनाया। उस घर में वे तीनों बड़े आनंद से रहा करते थे, जब तक वहां पर भेड़िया नहीं आया था। अब भेड़िये को सुअर को खाना बहुत अच्छा लगता था। उसे भुने हुए सुअर का मांस, मांस के टुकड़े, खास तौर पर बेकन खाना बहुत पसंद था। भेड़िया ऑल्फ्रेड के घास वाले घर पर आया और बोला, छोटे सुअर मुझे अंदर आने दो। नहीं नहीं, ऑल्फ्रेड चिल्लाकर बोला। फिर भेड़िया बोला, फिर मैं गुस्से में आऊंगा और क्रोध से तुम्हारा ये घर फूंक दूंगा। भेड़िए ने ऑल्फ्रेड का घर फूंक से उड़ा दिया। ऑल्फ्रेड दौड़कर बॉबी के लकड़े के घर में गया। भेड़िया भी उसके पीछे गया। छोटे सुअर मुझे अंदर आने दो। नहीं नहीं, बॉबी चिल्लाकर बोला, मैं बिल्कुल भी अंदर आने नहीं दूंगा। फिर भेड़िए ने बोला, मैं गुस्से में आऊंगा और तुम्हारा ये घर फूंक दूंगा। और उसने बॉबी का लकड़े का घर भी फूंक से उड़ा दिया। फिर ऑल्फ्रेड और बॉबी क्रिस्टोफर के घर दौड़े चले गए। भेड़िया क्रिस्टोफर को चिल्लाकर बोला, छोटे सुअर मुझे अंदर आने दो। जरा भी आने नहीं दूंगा, क्रिस्टोफर चिल्लाकर बोला। बिल्कुल भी नहीं आने दूंगा। फिर भेड़िया बोला, मैं गुस्से में आकर तुम्हारा ये घर तोड़ डालूंगा। फिर भेड़िया उस घर को फूंक रहा था, लेकिन
वो ईंट का घर गिरा नहीं। तीनों सुअर उस ईंट के घर के अंदर सुरक्षित थे। फिर भेड़िया चिमनी के ऊपर से चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्रिस्टोफर उसके लिए तैयार था। क्रिस्टोफर ने गर्म पानी का एक बड़ा बर्तन चिमनी के नीचे रखा, और जब भेड़िया चिमनी के नीचे आया तो क्या, भेड़िया वापस चिमनी के ऊपर आया और फिसल कर छत से गिर पड़ा। फिर वो दूर दूर तक भागता गया और शुद्ध शाकाहारी बन गया। ये तीन छोटे सुअर बड़े मजे से उस घर में रहने लगे।